Hello everyone, this is Khushi Singla and you are watching on CSP Institute channel. So today we are going to learn sequential circuits. Okay. अब sequential circuit पढ़ने से पहले थोड़ा हम देखते हैं ये होते क्या हैं. हमने combinational circuits पढ़े जैसे कि mux, demux, full adder, half adder, full subtractor, half subtractor. उसमें क्या होता था, हम input देते थे और हमारा आउटपुट आता था, राइट. बट सिक्वेंशियल सर्किट के केस में जो भी हमारा पास्ट आउटपुट होगा या प्रेजेंट आउटपुट होगा वो हमारा नेक्स्ट स्टेट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है और उसे एज अ हम इनपुट देते हैं. तो कहने का क्या मतलब है, ये जो आउटपुट होगा ये एज अ इनपुट जा रहा होगा अगला आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए. बट क्वेश्चन आता है, ठीक है ऐसे तो जा रहा होगा पर लेकिन ये जाएगा कैसे, स्टोर कहाँ पे होगा. तो उसके लिए हम एक मेमोरी एलिमेंट लगा रहे होते हैं अपना फीडबैक के अंदर, इसे हम फीडबैक बोलते हैं पूरे पाथवे को, मेमोरी एलिमेंट. और ये मेमोरी एलिमेंट और कुछ भी नहीं होता है, ये होता है फ्लिप फ्लॉप, इट्स फ्लिप फ्लॉप. ओके, इतने में कोई डाउट कि ये क्या होता है, हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है. अब सिक्वेंशियल सर्किट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस. सिंक्रोनस आर दो सर्किट इन विच अ कॉमन सिग्नल जनरली क्लॉक इज यूज टू सिंक्रोनाइज All components of sequential circuit. Okay. और वही मैं asynchronous की बात करूँ तो different signal used to synchronize different component of sequential circuit. Okay. Basically लेट से मेरा एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है और मैंने इसे क्लॉक दिया है, तो यही क्लॉक यूज़ होगी इसके लिए, तो वो केस होता है हमारा सिंक्रोनस. और जब मेरा एक एलिमेंट ये है और मेरा एक एलिमेंट ये है, मैंने क्लॉक दी है इसे यहाँ पे और यहाँ पे इसे यूज़ कर रहा है, मतलब डिफरेंट क्लॉक इसके लिए यूज़ हो रही है, तो ये होता है हमारा असिंक्रोनस. इतने में कोई डाउट. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप हमारा बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं बेसिक मेमोरी होती है जो कि स्टोर करती है क्या, वन बिट ऑफ डेटा. ये यूजुअली क्या फ्लिप फ्लॉप यूजुअली क्या स्टोर करता है, वन बिट ऑफ डेटा. फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट होते हैं या वरना हम ये कह सकते हैं टू स्टेट होती हैं. अब वो क्या क्या होती हैं, एक होती है नॉर्मल स्टेट और दूसरी होती है इस नॉर्मल स्टेट का कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नॉर्मल स्टेट. ठीक है, मतलब इसमें अगर ज़ीरो बिट स्टोर हुई है तो वन, ये दो स्टेट हुई, ये वन हुई है तो ज़ीरो. फ्लिप फ्लॉप की यही दो स्टेट होते हैं. ओके, तो फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक फ्लिप फ्लॉप ही आता है, मतलब सबसे पहला जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो आता है ऐसा लैच. लैच हमारा बेसिकली क्लॉक्ड नहीं होता, अभी हम देखेंगे क्लॉक्ड नहीं होता का क्या मतलब है. ओके, और इसे हम सबसे बेसिक एलिमेंट बोलते हैं, स्टोरेज का सबसे बेसिक एलिमेंट बोलते हैं. ओके, तो ऐसा लैच देखते हैं क्या होता है. लैच कुछ नहीं होता, कॉम्बिनेशन होता है नैंड गेट्स का या नॉर गेट्स का. ओके, ये कुछ देखो ऐसे होता है, इसका ये वो डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम. इसे हम कनेक्ट करते हैं, हमें क्या होना, क्या करते हैं हम अपने पास्ट आउटपुट को दे रहे होते हैं एज अ प्रेजेंट इनपुट, तो वही. ठीक है, ये हमारे एस हैं, ये हमारा आर है, ये हमारा क्यू एन है, ये हमारा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट्री है. नैंड गेट का, एक बार हम नैंड गेट है और हमें नैंड गेट का ही पूरे नैंड गेट से एनालाइज करना है, तो देख लेते हैं नैंड गेट में क्या होता है. नैंड गेट क्या होता है, एंड का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जब दोनों इनपुट हाई होगा तो हमारा एंड में हाई होता है आउटपुट, तो यहाँ पे क्या होगा, लो होगा.
तो ए बी लेट से मेरे इनपुट है एंड वाई मेरा आउटपुट है, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1, ओके तो ये 1 1 1 0 कुछ ऐसा हो रहा होगा, राइट ओके. तो अब देखते हैं, अब हम अपना इसका देखते हैं एस आर लैच के लिए हमारी ट्रुथ टेबल क्या होगी, एस आर और क्यू एन प्लस वन नेस्टेड, ठीक है 0 0 0 1 1 0 1 1, यही सारे केसेस होंगे ओके. जब मेरा एस बी ज़ीरो है और आर बी ज़ीरो है, जैसी कोई भी ज़ीरो हुआ तो ये क्या होगा वन, क्यू एन भी वन है और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट्री भी वन है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो ये स्टेट क्या है हमारी इनवैलिड ओके. अब ये ज़ीरो है और ये वन है, जैसे ये ज़ीरो हुआ ये वन हो जाएगा, वन का हम कुछ कह नहीं सकते वन के, क्योंकि भाई तीनों केस हैं. अब ये वन इधर आएगा एज अ प्रेजेंट इनपुट यूज हो रहा होगा, वन और वन क्या होगा ज़ीरो, राइट. तो क्या हो रहा होगा, अब हमारा क्या आया नेक्स्ट स्टेट वन सेम. अब हम इसे वन लेंगे और ये क्या होगा ज़ीरो, वन का हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या आएगा वन. अब ये वन इधर इसमें जाएगा और जैसे ही इधर वन गया, वन और वन क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या हो गई ज़ीरो. सिमिलर अब ये वन है ये वन है, राइट. अब हम दोनों का पता नहीं लगा सकते भाई क्या होगा, तो अब हम कैसे कर रहे होंगे, अब हम अज्यूम कर रहे होंगे, अज्यूम क्यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो, जब क्यू एन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हुआ, ये इधर ज़ीरो गया, ज़ीरो और वन जैसे हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा वन, और ये इधर जाएगा वन, वन और वन क्या रहेंगे ज़ीरो, तो हमारी प्रीवियस स्टेट ही आई. और ऐसी सेम तुम क्या कर सकते हो, क्यू एन को वन भी देख सकते हो, जब क्यू एन वन है तो इधर वन आएगा, वन और वन क्या हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो इधर गया, ज़ीरो और वन मिलके क्या बनेंगे वन. तो देखा होगा जो यहाँ पे जैसे हम दोबारा देख रहे हैं तो हमारी प्रीवियस स्टेट ही आ रही है, इसका मतलब जब वन वन होगा तो ये क्यू एन होगा. ये होती है हमारी ट्रूथ टेबल, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं बता दूंगी ओके. अब इसी के बाद आता है एस आर फ्लिप फ्लॉप. अब ये देखते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है, जैसे अभी हमने बनाया था सेम हमें वैसे बनाना है. ये हमारा सिंपल क्या था ऐसा लैची था, और ऐसा फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है क्लॉक होता है, क्लॉकड होता है, ठीक है. तो हमने इसे क्लॉक दे दी, इतने में कोई दिक्कत, ये क्या मेरा एस आर है, ये मेरा आर है, थोड़ा मैं इसे इधर कर लेती हूँ, ठीक है. इसकी ट्रूथ टेबल देखिए यहीं पे देख लेते हैं, कुछ ऐसे हो रहा होगा, क्लॉक भी जा रहा होगा, एस भी जा रहा होगा, आर भी जा रहा होगा, और हम क्या कर रहे होंगे नेक्स्ट स्टेट को कैलकुलेट कर रहे होंगे, इतने में किसी को दिक्कत नहीं. देखो अब ये एस आर है, जब हमारी क्लॉक ज़ीरो होती है, जब ये ज़ीरो होगी तो खुद देखो, लेट से इधर ये क्या हुई ज़ीरो, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ वन आ जाएगा. और हमने एस आर लैच में अभी क्या देखा, जैसे वन वन इधर आ गया तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे होंगे जो भी हमें इनवैलिड स्टेट मिल रही होगी, तो हर एक केस के लिए 0 0 0 1 1 1 के लिए क्या हो रहा होगा, ये प्रीवियस स्टेट को ही स्टोर कर रहा होगा. हमने अभी देखा ना, बिल्कुल देखो, जब हमारी जैसे ही ये 1 1 हो रही है तो प्रीवियस स्टेट को स्टोर कर रही थी, अब जैसे ही इधर 1 1 आएगा वो प्रीवियस स्टेट को क्या करेगा स्टोर करेगा. सेम अब हम देखते हैं किसका, जब हमारी क्लॉक 1 1 1 है तो हमारे इसके वो क्या होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे ही रहेगा. अब हमारी क्लॉक क्या है, अब हमारी क्लॉक हर एक केस में क्या है 1, ठीक है, और हम ले रहे हैं ऐसा ज़ीरो,
जैसे ही एक भी जीरो आया तो आगे तो वन वन जाना है, और जब वन वन आ जाए तो हमारी क्या है, प्रीवियस स्टेट ही स्टोर होगी, क्यू एन. ओके, अब देखो जीरो वन, देखो जीरो और वन क्या आ जाएगा, वन, वन और वन क्या आएगा, जीरो, राइट. अब जैसे यहाँ पे जीरो है तो आगे क्या जाएगा, वन, वन जाएगा, तो ये ऐसे इससे थ्रू करके यहाँ पे क्या आया फीडबैक के थ्रू, वन, वन और वन क्या हो गया, जीरो. मतलब ऐसा जब हमारा जीरो वन है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, जीरो. अब जैसे ही हमारा ये क्या है, वन, और ये क्या है, जीरो, तो सेम इधर क्या आएगा, वन, क्योंकि जीरो एक साथ वन आ जाएगा, वन वन का क्या आएगा, जीरो. अब ये जीरो है तो ये सीधे क्या जाएगा, वन. अब इसे क्या मिला, वन, और ये क्या हो गया, जीरो में तक. तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी कि हमारी, वन. इतने में किसी को डाउट नहीं. अब देखते हैं, जब हमारा वन जीरो है, मतलब ये वन है और ये जीरो है, जैसी जीरो हुआ क्या जा रहा होगा, वन, और जैसी वन वन हुआ तो क्या जा रहा होगा, आई थिंक हमने कर लिया ये वाला केस, है ना, ये क्यू एन के रिगार्डिंग है, ये इसके रिगार्डिंग है, ये वाला हो गया. अब हमारा वन वन रहता है, वन वन, वन वन क्या जा रहा होगा, इधर भी जीरो जा रहा होगा, और वन वन इधर भी क्या जा रहा होगा, जीरो जा रहा होगा. अब जब भी हमारी जीरो जीरो आती है तो हमने देखा वो क्या होती है, हमारी इनवैलिड स्टेट. इतने में किसी को दिक्कत नहीं ना. ओके, अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं, ठीक है. इसे मैं साइड कर रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम यहाँ पे देख लेते हैं. देखो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड से पता लग रहा है कैरेक्टर, ठीक है. आज का जो भी हमारा कैरेक्टर होगा उससे कल का हमारा फ्यूचर डिपेंड होगा. तो हमेशा याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट गिवन होता है, इनपुट गिवन होता है, एंड हमें नेक्स्ट स्टेट को फाउंड करना होता है. नेक्स्ट स्टेट विल बी आर आउटपुट. मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्यू एन गिवन है, एस गिवन है, आर गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, क्यू एन प्लस वन. ओके, तीन तीन इनपुट हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, टू की पावर थ्री, एट, जीरो 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 जीरो, वन 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 वन, जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन. इतने में किसी को डाउट. ओके, देखो अब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को किससे निकालते हैं, ट्रुथ टेबल से. जब ऐसा जीरो जीरो है, जब ऐसा जीरो जीरो, क्लॉक हम हमेशा वन लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख रहे हैं तो क्लॉक इज इक्वल टू वन है. ओके, जब मेरा एस आर इज इक्वल टू जीरो जीरो है तो क्या हो रहा है, प्रीवियस स्टेट स्टोर हो रही है, क्यू एन स्टोर हो रहा है, और यहाँ पे क्यू एन क्या है, जीरो. जैसे ही अब क्या हुआ, जीरो वन हुआ, ऐसा जैसे ही जीरो वन हुआ, जीरो वन पे क्या हो रहा है, क्यू, मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या है, जीरो. वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे क्यू एन कुछ भी हो, डजेंट मैटर, क्या ही आएगा, जीरो. अब जब वन जीरो है, वन जीरो पे क्या आया हमारा, वन, तो डजेंट मैटर क्यू एन क्या है, हमारा क्या रहेगा, वन. जब हमारा वन वन है तो वो क्या रहेगा, इनवैलिड. ओके, सेम जीरो जीरो है तो क्या रहेगा, प्रीवियस वाला क्यू एन रहेगा. जीरो वन है, जीरो आएगा इरिस्पेक्टिव क्यू एन क्या है, वन जीरो है, वन आएगा इरिस्पेक्टिव क्यू एन क्या है, और वन वन है तो क्या आएगा, इनवैलिड. इसे बोलते हैं हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक टेबल. ओके, इसके बाद ही आती है एक एक्साइटेशन टेबल. अब एक्साइटेशन टेबल का क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल में हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट तो गिवन होती है, हमें इनपुट्स निकालने होते हैं, ठीक है. अब क्या होता है, हम जब हमें फ्यूचर, हम अपना वो निकाल लेते हैं, क्यू एन प्लस वन निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्टेट, तो हम एक्साइट हो जाते हैं.
तो उस चक्कर में हमें ये तो पता होता है आज हम खाम पे और अब हमारी अगली स्टेट क्या होनी चाहिए, पर हम अपने आप को ही भूल जाते हैं हम किधर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसे इस तरह से देखना, क्यू एन क्यू एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो गया, फिर आगे हमें क्या फाइंड करना है, एस और आर अपने इनपुट्स फाइंड करना है। तो दो इनपुट्स हैं, टू की पावर टू, ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन। ओके, अब देखो ज़ीरो ज़ीरो, ऐसा कौन सा केस था जहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो था, मैं कलर चेंज करती हूँ, रुकना, जहाँ पे हमारी क्या है क्यू एन और क्यू एन प्लस ज़ीरो ज़ीरो है। एक तो ये वाला केस है, राइट, और एक ये वाला केस है जहाँ पे क्यू एन और क्यू एन प्लस वन क्या है, ज़ीरो ज़ीरो है। एस जीरो है, ठीक है, एस दोनों केस में ज़ीरो है और आर एक में ज़ीरो है, एक में वन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस जीरो होना चाहिए, आर क्या है हमारा डॉन्ट किया। अब हम देखते हैं ज़ीरो वन वाला, कलर चेंज कर लेती हूँ, ज़ीरो वन, यही हुआ ज़ीरो वन का, ज़ीरो वन का है कोई और नहीं है, तो इस केस में क्या हुआ, एस वन है हमारा, आर क्या है, ज़ीरो है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो किस किस केस में है, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो सिर्फ एक इसी केस में है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो वन, एस हमारा क्या होगा, ज़ीरो, और आर हमारा क्या होगा, वन। सेम हम एक और केस देखना है हमें, जब हमारा क्यू एन और क्यू एन प्लस वन 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 है, इधर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन 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 है, इधर भी क्यू एन और क्यू एन प्लस वन 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 है, तो देखो इधर क्या है, एस जीरो है, इधर वन है, और इधर आर ज़ीरो ज़ीरो है, इसका मतलब एस हमारा क्या है, डोंट केयर है, और हमारा आर क्या है, ज़ीरो। क्या समझ में आया, ऐसा फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल, ऐसा फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम फ्यूचर को देख रहे होते हैं, कैरेक्टर से फ्यूचर पता चलता है, तो प्रेजेंट और इनपुट हमें गिवन होगा और हम नेक्स्ट स्टेट फाइंड कर रहे होंगे। एक्साइटेशन टेबल में हम एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है, और हम ये भूल जाते हैं कि अभी हम कहाँ लाई कर रहे हैं, हमें कितना आता है। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट तो हमें पता होता है, पर लेकिन हम इनपुट ही भूल जाते हैं कि हम कौन है। ओके, इतना समझ में आया, मैंने आसान तरीके से बताया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल में हमेशा डाउट होता है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या करती है और एक्साइटेशन टेबल क्या करती है। ओके, अब देखो तुम इसी को ना, ट्रूथ टेबल को कहीं तुम पूरा क्लॉक ऐसे लिखो, इसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रूथ टेबल क्लॉक एस आर, और यहाँ पे क्या आ गया, क्यू एन प्लस वन ज़ीरो, डिपेंड नहीं करता एस क्या आर क्या है, सीधे ये क्या रहेगा, क्यू एन, और फिर अपने वन वन के लिए लिख दो, इसे हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, और फिर तुम अपने इधर से इधर तक लिख दोगे। इतने में कोई डाउट नो? अब हम आगे यहीं की यहीं कंटिन्यू करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। अब पता है एस आर में इनवैलिड स्टेट आ रही थी ना, जेके फ्लिप फ्लॉप बोलता है, जेके बोलता है कि मैं इस इनवैलिड स्टेट का सॉल्यूशन लाऊंगा, मैं इस इनवैलिड स्टेट को इनवैलिड नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो जेके ने क्या करा, हमारी इनवैलिड स्टेट को रिमूव करा। ओके, तो जेके का हम डायग्राम देख लेते हैं, क्या होता है जेके का, कुछ इस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम होता है, जो हमारा एसआर लैच का होता है सेम। देखो मैंने पेस्ट भी कर सकती थी, मैं नहीं कर रही, क्योंकि जिससे तुम देखो तुम्हें बनाना खुद में आ जाए, मतलब देखते देखते बनाना आ जाए बस। यही ऐसे था हमारा एसआर का, पर लेकिन जेके ने बस एक चीज बोल दी। अब जेके ने वो एक चीज क्या बोली, कि इसे एक और इनपुट दे दो और उसे कनेक्ट कर दो क्यू कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, सेम इसे भी एक और इनपुट दे दो और उसे क्यू से ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा बन जाता है जेके फ्लिप फ्लॉप। इतने में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तब देखो क्लॉक जे के और हम क्या देख रहे होंगे, क्यू एन प्लस वन, यही है। क्लॉक जब ज़ीरो होगी, जे के हमारा डिपेंड नहीं करता, वो प्रीवियस स्टेट को ही करेगा,
जब क्लॉक हमारी 1111 है तो ये 0001110011 है, तो ये सारे प्रीवियस, मतलब ये प्रीवियस स्टेट को स्टोर करेगा, ये 0 को, ये 1 को, ये हमारा सेम होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप से। तुम इधर करके भी देखोगे ना, देख लो जेके क्या है, 00, जे 0 है, के 0 है, क्लॉक यहाँ से क्या हुई 11, जहाँ पे भी 0 आ गया वहाँ पे क्या जाएगा, नैंड गेट है 11, राइट। अब जैसे ही 11 गया तो तुम नहीं कर सकते, तो तुमने यहाँ पे अज्यूम करा Q इज इक्वल टू 0 है, जैसे Q इज इक्वल टू 0 इधर आया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया, राइट। और जैसे ही ये 1 हो गया तुम इधर दोबारा 1 जाएगा और ये 0 आ गया, ये क्या आ गई, प्रीवियस स्टेट आ गई। तो हमें पता है प्रीवियस स्टेट है, ऐसे तुम इन दोनों केसेस को खुद चेक कर सकते हो, यही आएगा। अब हम 11 का केस देख लेते हैं कि 11 में क्या हो रहा होगा, जब ये 1 होगा और जब ये 1 होगा, ठीक है, और क्लॉक हमारी क्या है 1, तो ये कैसे हो रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम करेंगे इधर Q इज इक्वल टू क्या है हमारा, लेट से 0, ठीक है, Q को 0 कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं, Q 0 है। तो ये इस पाथ के चलते इधर 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 से चलते यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ 1 है ही, ठीक है, इधर 1 हो ही रहा है, जैसे ही एक भी 0 आया ये क्या हो गया 1, और ये Q इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ रहा होगा, 0 और 1 मिलके क्या हो रहा होगा, दोबारा 1, तो मेरा Q कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1। अब देखो यहीं Q कॉम्प्लीमेंट यहाँ से 1 जा रहा होगा और Q और यहाँ से 1 जा रहा होगा, जैसे ही ये तीनों 1 हुए तो ये क्या हो गया 0, और ये 0 और 1 हुआ तो क्या आएगा 1। इस वाले केस में याद रखना, जब 00 QN वाला केस था तो 0 कर रहे थे हम, यहाँ से दोबारा हम भेज रहे थे तो 0 ही आ रहा था, अब यहाँ से क्या आ रहा है 01। तो तुम कहोगे ठीक है क्यों कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। अब इसके आगे देखो, जैसे ही यहाँ पे अब 1 आया, अब तुम क्या भेज रहे होगे, 1 भेज रहे होगे, मतलब क्या जा रहा होगा 1 जा रहा होगा ना कि 0। अब जैसे ही ये 11 गया तो ये क्या हो गया 0 है ना। अब जैसे ये तीनों 11 जाएंगे और यहाँ से 1 को अब हम ट्रांसफ़र करेंगे, अब क्यू को अगर मैं 1 मान लूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, ये इधर 1 गया और 111 क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, राइट। इधर से हमारा 1 आया, 1 और 0 अब हमारा क्या हो रहा होगा 1, ठीक है। अब इसी 1 को जैसे हम लेके जाएंगे अगला क्या हो रहा होगा, तो ये हमारी स्टेट क्या बन गई होगी 010101, और ये क्या आ रहा होगा 101010, ठीक है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं टॉगल, टॉगलिंग मतलब रुक नहीं रहा, 010101 फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और जब इसे हम ओके, ठीक है, क्विकली हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 0 से 1, 1 से 0, इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत की भाई हमारा कैसे हो रहा है, नहीं ना। तो हमारा ये क्या होता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, ओके। और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के साथ ये क्या कर रहा होता है, टॉगल वाली सिचुएशन में होता है भाई कि 0101 क्विकली क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होगा। सर्किट में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो दोबारा देखना, बहुत आसानी से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया है, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये क्या हो गई हमारी ट्रुथ टेबल। अब क्या है, हमें लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में बताया था क्या होता है, प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट गिवन होता है और हमें नेक्स्ट स्टेट को फाइंड करना होता है। बेसिकली हमारे पास क्या कंडीशन होगी कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, हमें जे के और क्यू एन गिवन है और हमें क्यू एन प्लस वन निकालना है। अच्छा एक बात बता रही हूँ, डिपेंड नहीं करता हम क्यू एन को यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, ठीक है, हमारे सारे कॉम्बिनेशंस फिर भी बन जाएंगे चाहे हम कैसे भी लिखें। तो अब करें इसे, सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, ये कुछ ऐसा ही होगा, राइट। अब देखते हैं क्या हो रहा होगा, जे के जब 00 है, जे के जब 00 है
जेके जब 0 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट स्टेट में प्रीवियस स्टेट को ही स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या स्टोर होगा, प्रीवियस स्टेट 0। नेक्स्ट स्टेट में अगर 0 0 है, अगर जेके 0 0 है तो प्रीवियस स्टेट ही स्टोर होगी, तो इसका मतलब 1। प्रीवियस स्टेट हमारी क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है ना ये, और ये 0 प्रीवियस स्टेट। अब देखो जैसे ही हमारा 0 1 हुआ जेके, जेके 0 1, तो 0 1 के लिए ये वाला केस मैटर नहीं करता, हमारा पास्ट क्या है, हमेशा हमारा क्या आएगा, 0। तो मतलब इसके लिए भी 0 आएगा, और जैसे ही 0 1 है तो इसके लिए भी हमारा क्या आएगा, 0। जब हमारा 1 0 है तो क्या आएगा, 1 1। 1 0 है तो क्या आएगा, 1, ठीक है। और जब हमारा 1 1 है तो क्या आएगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। जब 1 1 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। 1 1 है तो कॉम्प्लीमेंट आना है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। इतने में कोई दिक्कत, हमारी आउटपुट क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है। अब इसके बाद आता है हमारा एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, जिसमें हमारी प्रेजेंट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है, पर लेकिन इनपुट हम भूल जाते हैं, क्यू एन रहेगा, क्यू एन प्लस 1 रहेगा, पर लेकिन हम भूल चुके होंगे हम खुद क्या है, जे और के। 2 हैं तो 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशंस, गुड। अब देखो क्या हो रहा होगा, थोड़ा एनालाइज करते हैं आप इसे। ओके, जब क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 क्या है, 0 0। क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 0 0 इस केस में, और क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 0 0 इस केस में, तो उस केस में क्या है, 0 0 0 1। तो मतलब जे तो 0 ही है, के चेंज हो रहा है, जे 0 रहेगा, के चेंज हो रहा होगा, तो डोंट केयर हो गया। 0 1 वाली कंडीशन ले लें, 0 1 वाली कंडीशन, जब q और क्यू एन प्लस 1 क्या है, ओके सही लिया था ना हमने, 0 0 और 0 0, हाँ 0 डिंट क्या, जब 0 1 है, 0 1 कहाँ पे है, 0 1 और 0 1, तो 1 0 1 1, तो मतलब 1 तो सेम है, 0 1 चेंज हो रहा है ये, राइट, 0 1 वाले केस में। मतलब जब हमारा जे 1 हो और के क्या हो, डोंट केयर। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब आगे वाला केस देखते हैं, जब 1 0 हो, 1 0 कहाँ पे हो रहा होगा, 1 0 ये हो रहा, और 1 0 कहाँ पे हो रहा है, बस एक ही जगह हो रहा है, नहीं ये हो रहा, तो 1 0 में क्या हो रहा है, 0 1 और 1 1, मतलब 0 1 से चेंज हो रहा है और 1 1 है, तो डोंट केयर 1, राइट। और जब हमारा 1 1 होगा, 1 1 और 1 1, तो ये 0 से 1 चेंज हो रहा है, ये 0 से 1 चेंज हो रहा है, इसका मतलब डोंट केयर, डोंट केयर। समझ में आया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ मत करना, बस एक और बार पीछे करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसको दोबारा देख लेना। बहुत आसानी से समझा है, समझोगे आ जाएगा, थोड़ा डिस्ट्रिक्शंस को हटा के देखना, आराम से आएगा, ओके। तो अब हमारे 2 फ्लिप फ्लॉपर रहते हैं, एक हमारा फ्लिप फ्लॉप रहता है डी फ्लिप फ्लॉप और एक रहता है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप, हम उन्हें जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। जब मैं अपने डी फ्लिप फ्लॉप की बात कर रही हूँ, तो डी फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप हमारा बहुत, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, एक ही इनपुट दे रहे होते हैं, डी से समझ आ रहे हैं ना, जेके में अब तक हमने 2 इनपुट दिए, एसआर में भी हमने 2 इनपुट दिए, और डी में क्या होता है, वो जेके का सेम होता है पूरा, पर लेकिन उसमें बस क्या होता है, जैसे देखो ये ऐसा था हमारा, यहाँ क्लॉक थी ऐसा था, और इधर हमारा क्यू था, इधर क्यू कॉम्प्लीमेंट था, कुछ ऐसे था, राइट। तो डी हमारा ये होता है, और इससे नॉट लगा के हम एस आर को दे रहे होंगे।
इसे बोलते हैं हम अपना डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसमें कोई दिक्कत? मतलब बेसिकली हम पूरा अपना SR वाला आप डायग्राम बनाओगे, जो कि हमारा सर्किट डायग्राम होता है, और वहाँ पे हम क्या दे रहे होंगे D, और दूसरे में जहाँ पे हम R दे रहे होते हैं वहाँ पे हम ऐसे करके हमारा क्या दे रहे होंगे R। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे हमें एक डिफरेंस तो पता चल गया कि हम किसको यूज़ कर रहे हैं, एक ही इनपुट यूज़ हो रहा है। चलो ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा कुछ ऐसे होगा, इधर D गया, ये इधर क्लॉक है हमारी, राइट, और हमें यहाँ पे क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। अब देखो, हमें ये तो पता है ना S और R क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, राइट। तो एक बार जल्दी से हम SR की ट्रूथ टेबल बना लें। SR की ट्रूथ टेबल क्या थी? क्लॉक लाई कर रही थी, S थी, R थी, और हमारी नेस्टेड थी, है ना। तो जब जीरो था डोंट केयर ये QN ही रहेगा। जब ये जैसे ही 1111 हुआ, ये क्या है था 00, ये क्या है 01, ये क्या है 10, ये क्या है 11। तो जब ये जैसे ही ऐसे है तो 00 हमारा है, तो उस केस में हमारा क्या था, प्रीवियस स्टेट स्टोर हो रही थी, 01 के में 0 स्टोर हो रहा था, 10 में हमारा 1 स्टोर हो रहा था, 11 के में हमारा क्या था, इनवैलिड स्टेट थी। अब आप लोगों को पता था, अब हमें क्या है, हमने SR में देखा है S हमारा क्या होगा, D होगा, और R हमारा क्या होगा, D का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब SR अपोजिट होना चाहिए। S अगर 0 है तो R इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, R इज इक्वल टू 1 है तो S इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब तुम देख पा रहे होगे वो सिर्फ एक ही कंडीशन में है। वो किस कंडीशन में है? इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे होंगे हम, अब जब ये 01 और 10 ये वाली कंडीशन है, तो अब हम इन्हीं दो केसेस को लेंगे और इन्हीं दो केसेस को हम डी फ्लिप फ्लॉप में अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो जब हम ट्रूथ टेबल लिख रहे होंगे डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, वो डी फ्लिप फ्लॉप तो वो क्या होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, क्लॉक टी और हमारा क्या होगा क्यू एन प्लस 1 होगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि जब हम डी फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे होंगे तो हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं इनपुट। तो ऐसे हमारे दो ही केस थे। तो पहले तो जब हम ट्रुथ टेबल लिख रहे होंगे अपनी डी फ्लिप फ्लॉप की, वो कुछ इस तरह से लिख रहे होंगे कि जब क्लॉक 0 है तो डी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, हमारा क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, नेस्टेड क्या होगी, क्यू एन। जब हमारी क्लॉक 1 है दोनों केसेस में, अब डी क्या होगा, या तो डी 0 होगा या डी 1 होगा, यही दो केस होंगे। डी तो एक ही इनपुट जा रहा है, तो जब डी 0 होगा तो देखो एस क्या होगा 0 और आर क्या होगा 1, तो आउटपुट क्या आएगा 0। अब जब डी 1 होगा तो एस क्या होगा 1 और आर क्या होगा 0, तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल समझ में आई? ये कुछ नहीं, हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल से बस देखा है कि जब एस हमारा 1 था, आर 0 था, तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा था, जब एस 0 था, आर 1 था, तो क्या आउटपुट आ रहा था। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल अपनी, राइट। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात कर रहे हैं तो हम क्या क्या लेते थे, प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट आउटपुट, और हम क्या निकालते थे, नेक्स्ट स्टेट निकालते थे, यही करते थे। 2 है, 2 इनपुट हैं, तो 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 1 1 0 1 1, यही कुछ ऐसा होगा। ओके, जब डी 0 होता है तो क्यू एन प्लस हमारा क्या होता है, 0। जब डी हमारा 1 होता है तो क्यू एन प्लस 1 हमारा क्या होता है, 1। जब डी हमारा 0 होता है, सेम वही 0 1। ओके, तो यहाँ पे हम के मैप से क्या करेंगे, और आगे भी हमने नहीं करा, के मैप से हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे क्यू एन प्लस 1 की, राइट। क्या हो गया ये 0 1 0 1, क्या निकल के आएगी, ये क्या आ गया हमारा क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी। ऐसे तुम ऑफ फ्लिप फ्लॉप की, जैसे हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखी थी, एक्साइटेशन टेबल लिखी थी, उनसे के मैप बना के ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं हम हर किसी की, राइट।
एक्साइटेशन टेबल, लाइक किसी ने बोल दिया कि इक्वेशन दो, एक्साइटेशन इक्वेशन दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दो, तो जब ओके अब एक्साइटेशन टेबल में क्या होता था, हम क्यू एन लेते थे और क्यू एन प्लस वन लेते थे और हमें क्या फाइंड करना होता था, इनपुट टू हैं ये तो टू टू जा फोर, टू की पावर टू फोर, ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन ओके। जब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन ज़ीरो हैं, जब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन ज़ीरो हैं और किसी केस में ज़ीरो है नहीं, तो डी हमारा क्या है, ज़ीरो। जब हमारा क्यू एन ज़ीरो है और क्यू एन प्लस वन है तो डी हमारा क्या है, वन। वन ज़ीरो के केस में ज़ीरो, वन वन के केस में वन। इतने में कोई दिक्कत समझ में आया, ओके। इसके बाद देखते हैं हम टी फ्लिप फ्लॉप। अब हमारा एक और फ्लिप फ्लॉप होता है, लास्ट कौन सा होता है, टी। इसके बाद एक और फ्लिप फ्लॉप होता है, वो भी हम देख रहे होंगे, हमने वो भी आगे ही बात करते हैं, ओके। टी फ्लिप फ्लॉप को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें टॉगलिंग एक्शन को यूज़ करना होता है, टॉगलिंग एक्शन। अच्छा, डी फ्लिप फ्लॉप को ना हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो, अगर हम डी ज़ीरो था तो आउटपुट ज़ीरो आ रहा था, डी वन था तो आउटपुट वन आ रहा था, मतलब सेम आ रहा था, ठीक है। तो हम इसे डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, भाई हमारा इनपुट भी सेम होता है आउटपुट भी। और टी फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगलिंग एक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, और टी जो पर्टिकुलरली स्टैंड करता है वो करता है टॉगल, ओके। चलो अब देखो, अब इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं होता है, टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, हम अपने जे के में इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा जे है, तो जो हमने टी को इनपुट, जो हमने जे को इनपुट दिया है, वही हम के को इनपुट देंगे अपना, किसके केस में, टी के में। और ये हमारी क्या हो गई, क्लॉक हो गई, ठीक है। और इधर हमारा क्या आ जाएगा, ये क्यू एन, और इधर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा ऐसे ऐसे निकल रहा होगा। इसे बोलते हैं हम टी फ्लिप फ्लॉप, मतलब आर एस, उसमें क्या जा रहा था हमारा डी फ्लिप फ्लॉप में, तो हमारे इधर नॉट जा रहा था, इधर हमारा सेम ही इनपुट जाते हैं दोनों में। तो मतलब अब हमें कैसे कैसे केसेस लेने हैं, जहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो हो रहा हो या जहाँ पे ज़ीरो वन 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 हो रहा हो, ठीक है। अब देखो ट्रुथ टेबल देखें फिर हम अपने टी फ्लिप फ्लॉप की। क्लॉक ओके, टी, और हमें क्या निकालनी है, नेस्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन। जब क्लॉक ज़ीरो होगी टी डिपेंड नहीं करता, क्या होगा, क्यू एन ही होगा ये, ठीक है। जब क्लॉक वन वन है तो क्या हो रहा होगा, हमारे पास इनपुट सिर्फ एक ही है, तो क्या हो रहा होगा, ज़ीरो या वन, यही दोनों चीज़ें है ना। अब देखो ज़ीरो का मतलब क्या है, जे भी ज़ीरो है और के भी ज़ीरो है। याद करो, जब ये दोनों ज़ीरो होते थे तो ये प्रीवियस स्टेट को ही स्टोर करता था, राइट। जे भी वन हो गया, के भी वन हो गया, है ना। टी जे के से हमने इम्प्लीमेंट करके देखा तो ये होता है ना, दो इनपुट ये जा रहे होंगे। जब दोनों वन वन हो गए तो क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टोर नहीं होता था, रेस अराउंड कंडीशन नहीं आ रही थी, ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो आ रही थी ना हमारी रेस अराउंड कंडीशन। तो ये है हमारी ट्रूथ टेबल, ओके। यहाँ पे हमारा ये टॉगल भी करता था ना, ये टॉगलिंग भी हमने एक वर्ड करा था कि भाई ज़ीरो से वन जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉगलिंग। और यहाँ पे अपनी क्या हो रही थी, मेमोरी स्टोर हो रही थी प्रीवियस वाली, ठीक है। अब यहीं से ही हम क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम क्या क्या लेते थे, प्रेजेंट आउटपुट, टी एंड नेक्स्ट स्टेट हम निकालते थे।
0001 1011, ओके। जब टी हमारा ज़ीरो होगा तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या स्टोर करती है, प्रीवियस स्टेट। तो प्रीवियस स्टेट हमारी क्या है, ज़ीरो ज़ीरो। टी जब हमारा वन होगा तो क्यू एन प्लस क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है क्यू एन का। जब वन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन। समझ में आया? सेम, जब ज़ीरो है तो प्रीवियस स्टेट स्टोर करेगा और जब वन है तो क्या कर देगा, ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ऑड वन डिटेक्टर। और ऑड वन डिटेक्टर हमारा क्या होता था, एक्सोर, राइट। तो क्यू एन प्लस वन की इक्वेशन लेट से अगर मैं लिखने लग गई तो क्या आएगा, क्यू एन एक्सोर टी। इतने में कोई डाउट? नो। अब इसके बाद हम एक एक्साइटेशन टेबल और करते हैं अपनी। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, हमारे पास क्यू एन रहेगा, क्यू एन प्लस वन रहेगा और हमें क्या फाइंड करना है, टी। कुछ यही रहेगा, 0001 1011, ओके। जब मेरी क्यू एन और क्यू एन प्लस वन ज़ीरो ज़ीरो है, कौन सा केस होगा, ये वाला। देखो क्यू एन और क्यू एन प्लस वन ज़ीरो ज़ीरो है तो टी हमारा क्या है, ज़ीरो। क्यू एन और क्यू एन प्लस वन ज़ीरो वन, ज़ीरो वन है तो हमारा क्या है, ये वन। वन ज़ीरो के केस में क्या है, ज़ीरो। वन ज़ीरो के केस वन, सॉरी, वन वन के केस में क्या है, ज़ीरो। और वन ज़ीरो के केस में क्या है, वन। इतने में किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ट्रूथ टेबल जैसे ही निकल जाती है तो उसमें हम फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल जैसे ही निकल जाएगी तो हम क्या निकालेंगे, एक्साइटेशन टेबल। अब देखो यहाँ पे होते हैं बेसिक सारे फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट। अब एक आता है हमारा जेके, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब देखो हमने क्या करा था, पहले हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप पढ़ा। ऐसा फ्लिप फ्लॉप में हमने फिर देखा वहाँ पे जब वन वन वाली कंडीशन हो रही थी तो वो क्या हो रहा था, इनवैलिड हो रहा था, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमने क्या देखा, सॉरी, फिर हम जेके फ्लिप फ्लॉप को लिया है। हमने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा तो अब उसमें हमने देखा क्या हो रहा है, 0101 01 रुक ही नहीं रहा। तो क्या इसे बोलते हैं हम रेस, देखो ज़ीरो से वन में चेंज होना, कॉम्प्लीमेंट होना, उसे बोलते हैं टॉगल पर। लेकिन चलते ही जाना, उसका कोई एंड ही नहीं है, उसे बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। और हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप का यही डिसएडवांटेज था। जेके फ्लिप फ्लॉप का हमारा क्या डिसएडवांटेज था, कि वो हमें रेस अराउंड कंडीशन को शो करता था, ठीक है। अब देखो एक बात और, डी फ्लिप फ्लॉप हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, खाली डेटा को स्टोर करने के लिए हमारा डी का फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है, ठीक है। और जेके फ्लिप फ्लॉप आया जो इनवैलिड स्टेट थी उसको ओवरकम करने के लिए। इतने में किसी को कोई डाउट? ओके, जब एस वन था और इसमें आर वन था तो हमारा टॉगलिंग एक्शन आ रहा था, ठीक है। कंट्रोल चेंज होना आउटपुट का, अब तुम कह रहोगे टॉगलिंग और रेस अराउंड कंडीशन में क्या फर्क है, ठीक है। देखो टॉगलिंग की जब हम बात कर रहे हैं, टॉगलिंग वो कंडीशन होती है जिसमें कंट्रोल चेंज होता है, कंट्रोल चेंज ऑफ आउटपुट फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0। और रेस अराउंड कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें 0 to 1 0 to 1 ऐसे ऐसे सीधे सीधे चेंज हो रखा है।
अब जब हमने टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था तो तुमने देखा होगा अगर वन है तो वो क्या कर रहा था, सीधे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, क्यू एल कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं वो 0101 01 वाला डेटा देगा हमें, राइट। तो इतना समझ में आया। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जीके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जीके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या बोलता है वो, सिंपल कहता है, देखो जैसा हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप होता है हम वैसे ही बनाएंगे, सेम। और क्या करते थे हम जे के फ्लिप फ्लॉप बनाते वक्त, ये करते थे, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते थे, क्लॉक दे रहे होते थे, कुछ ऐसा ही होता था। और हमने एक और चीज करी थी, और क्या करा था हमने, इसे एज अ इनपुट दिया था इस तरह, और इसे ये क्या था हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप था, राइट। अब ये कहता है, अब इसी को कैसे चेंज करें कि जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बन जाए, उसके लिए हम देखते हैं थोड़ा सा कि हमें क्या करना पड़ेगा। जो हमने ये अभी आगे लिया है ना, सेम हमें एक और ऐसा लेना होगा, ठीक है। तुम्हें इसमें सेम एक, तो इसमें तुमने अब क्या कर दिया, एक इसमें तुमने क्या करा, मास्टर बना दिया, वो हो नहीं रहा कॉपी पेस्ट, कोई नहीं इसी में कर लेते हैं। इसमें हम दो लेते हैं, एक हम क्या करते हैं, एक हम मास्टर बनाते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, स्लेव बनाते हैं। मतलब हम सेम डायग्राम बना रहे होंगे, ठीक है। और इसमें हम और क्या कर रहे होंगे, सेम बनाना है हमें, बिल्कुल सेम बनाना है, ठीक है। बस एक और उसी की कॉपी बना देनी है। और अब हमें दो तीन इनपुट देते हैं ना, ये हमने तीन इनपुट दे दिए। अब इधर क्लॉक हम अलग से नहीं देंगे, इस क्लॉक को और इस क्लॉक को हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे। ओके, इतने में किसी को डाउट कि हमने क्या करा है, बस हमने सिंपल डायग्राम बनाया है। हम इसे बोलते हैं मास्टर, इसे बोलते हैं हम स्लेव। अभी हम इनकी वर्किंग देख रहे होंगे कि इनकी वर्किंग कैसे हो रही होगी। इतने में बट किसी को डाउट कि भाई ये कैसे हुआ, बिल्कुल एक बार अच्छे से डायग्राम देख लो कि हमने डायग्राम को बनाया कैसे, ठीक है। अब रेस अराउंड कंडीशन को हटाने के लिए हमें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है या एज टिगरिंग फ्लिप फ्लॉप की। अब एज टिगरिंग फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। हमारे दो तरह से होता है, एक होता है हमारा लेवल ट्रिगर्ड जो कि लेवल पे ट्रिगर होता है, और एक होता है एज ट्रिगर्ड जो कि हमारा एज पे ट्रिगर हो रहा होगा। और इनों में भी फिर होता है पॉजिटिव नेगेटिव, एंड इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव का बेसिकली हम साइन इससे बना रहे होते हैं और पॉजिटिव को हम नॉर्मल छोड़ रहे होते हैं, या वरना ऐसे, और इसमें नेगेटिव, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे ये होता क्या है। अब जो ये रेस अराउंड कंडीशन है ये सिर्फ इसके भी फैक्टर्स होते हैं कि भाई ये रेस अराउंड कंडीशन कब कब आएगी। ठीक है,
रेस अराउंड कंडीशन के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये होती है कि वो लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए भाई। एज ट्रिगर्ड होगा तो ये शो ही नहीं करेगा। लेवल ट्रिगर्ड हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। ओके, सेकंड कंडीशन, रेज अराउंड कब शो होता है हमें? जब जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन होता है, मतलब टॉगल मोड में होता है, राइट। और थर्ड वन इज जब टी डब्ल्यू ग्रेटर देन होती है टी डी। अब कह रहे होगे ये टी डब्ल्यू और टी डी क्या है, राइट। टी डब्ल्यू हमारी ये दो विड्थ लेते हैं हम इसमें, ठीक है। एक हम प्रोपेगेशन डिले लेते हैं, ये हमारा क्या है टाइम जो कि डिले में हो रहा है, और ये हमारा क्या है जो कि टाइम विड्थ का है, ठीक है। हमारी पल्स विड्थ का टाइम है। जब पल्स विड्थ का टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रोपोगेशन डिले से, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब अब हम थोड़ा नीचे देखते हैं। टी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन टी डी। अब हम क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा ये है, ओके सी, हम इनकी वेव फॉर्म्स को कैसे स्टडी करते हैं। ये मेरी क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक का क्या है, क्लॉक ऐसे है, ठीक है। ये मेरी इनिशियली एक क्लॉक है। अब क्या होता है जब हम ये बोल रहे हैं ना टी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन टी डी, इसका मतलब जो टाइम विड्थ ले रहा है, मतलब जो ये है क्लॉक पल्स की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, ओके, किससे? टी डी से, प्रोपेगेशन डिले से। मतलब जितना टाइम हमें इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने में लग रहा है। बेसिकली जब अभी हमने देखा था ना 0101010101 आ रहा था, तो वो कैसे हो रहा होगा? जैसे भाई इधर ज़ीरो आया, इधर सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लेट से क्यू को ज़ीरो ही लिया, अपने क्यू को ज़ीरो लिया। हम इतने केस को देख रहे हैं अभी सिर्फ जेके वाले को, कि रेज अराउंड कंडीशन जो थी वो क्या चीज़ कर रही थी, क्यों गलत थी वो। रेज अराउंड कंडीशन ने क्या करा, क्यू ज़ीरो लिया। तो फिर बाद में ये क्या हुआ था, ये वन हो गया था, राइट। पर लेकिन ये क्या होना था, ये नेक्स्ट पल्स तक, जब तक ये वन नहीं होता तब तक इसे रहना था, ओके। जब तक नेक्स्ट एज नहीं आ जाती तब तक इसे रहना था। अगर इस एज पे ये चेंज हुआ है तो इसे यहाँ तक रहना था, फिर ऐसे होना था, बट नहीं। अभी क्या होगा, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में पहले क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो था, पर लेकिन अब हमारी ये विड्थ बहुत ज़्यादा है और प्रोपेगेशन डिले वाला टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। क्लॉक पल्स विड्थ बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये जैसे ही वन हुआ फिर ये ज़ीरो हो गया, ये वन हुआ ये ज़ीरो हो गया, ये वन हुआ ये ज़ीरो हो गया, ये ऐसे ऐसे होगा। और इससे ही हम बोलते हैं रेसिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिंग। समझ में आया कि भाई क्या चीज़ थी और हमने क्यों पढ़ा? हमारी रेसिंग हो रही थी। और याद रखना कब कब हमारी रेस अराउंड कंडीशन होती है, ठीक है। अब इस रेसिंग को ओवरकम करने के क्या तरीके हैं, जब हम ये जो टाइम है इसे, ये जो क्लॉक विड्थ का टाइम था टी डब्ल्यू, इसे हम लेस कर दें किससे, टी डी से, प्रोपेगेशन डिले के टाइम से, जब हम इसे कम कर दें। और क्या कह सकते हैं, हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर लें तो भी हो जाएगा, राइट। और या वरना थर्ड इसका केस होता है कि हम मास्टर स्लेव को यूज़ कर लें। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मास्टर स्लेव क्या होता है। अब देखो मास्टर स्लेव का समझ में आया, मास्टर स्लेव बनता कैसे है। हमने क्लॉक कैसे दी, उसमें किसी को कोई दिक्कत कि क्या हो रहा होगा? एक और चीज, बस एक चीज़ और, यहाँ पे हम जो क्लॉक देते हैं वो हम देते हैं
इसका अपोजिट, या वरना तो सेम चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझ आ रहा है तुम्हें कि जैसे ही हमने क्लॉक इसे नेगेटिव दे दी तो क्या होगा? जब ये वाला क्लॉक ज़ीरो होगा तो हमारा ये वाली क्लॉक वन होगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? हमारा ये वाला सर्किट काम कर रहा होगा, ठीक है। हमारा कौन सा सर्किट काम करेगा? ये वाला सर्किट। और जब जैसे ही यहाँ पे क्लॉक वन हो रही होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, स्लेव वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, तो ये काम नहीं कर रहा होगा, सिर्फ हमें ये इनपुट दे रहा होगा। तो इसकी हेल्प से जो हमारा 1010 रेसिंग अराउंड कंडीशन थी वो कम हो जाती है, और हमारा जो टाइम हो जाता है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि जब यहाँ पे जा रहा होगा तो ये इसे पूरा एक मूव करके जाना होगा, फिर इधर कर रहा होगा, तो जैसे 0 से 1 कंडीशन चेंज होगी हमारी, क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग रहा होगा जाने में। ऐसा नहीं जैसे वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था ना, वो वाली चीज़ नहीं हो रही होगी। समझ में आया? तो हमारा इस पार्ट को हम बोलते हैं मास्टर, उस पार्ट को हम बोलते हैं स्लेव। और लेट से इधर हम ले लेते हैं QM, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा होगा वो क्या है? QM। और लेट से जो हमें इधर मिल रहा है वो हमें क्या है? Q, ठीक है। अब जब J इज इक्वल टू वन होगा और K इज इक्वल टू वन होगा और क्लॉक भी क्या होगी? एक्टिव होगी, तो क्या हो रहा होगा? QM एक्टिव होगा और Q इनएक्टिव होगा। ये तो समझ में आ गया तुम्हें? अब देखते हैं इसका, हम ये देखते हैं कैसे हमारा ये वेव डायग्राम बन रहा होगा पूरा। ओके, इतना समझ में आया? ओके, देखो कुछ ऐसे, हमारी क्लॉक 0 और 1 ये होती है, तो क्लॉक कुछ इस तरह होगी। क्लॉक राइट है ना? अब देखो जब जे इज इक्वल टू वन है और के इज इक्वल टू वन है, तो अब हमें क्या निकालना है? QM राइट। अब देखना तुम्हारी फिगर्स से, वो तो नीचे पहुंच गई ना, राइट। हाँ ये रही, हम यहीं पे ही बनाते हैं, सो डिट आराम से हम इसे देख भी ले, इधर बहुत हो जाएगी ये वाली पोजीशन। हाँ क्लॉक हमारी क्या है? जे इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन, ऐसे ही है। आ जाओ अब क्या निकालते हैं? क्यू एम निकालते हैं और क्यू निकालते हैं। क्यू एम और क्यू की क्या वेव होगी? देखो शुरू में ये 0 है, तो क्या होगा? दोनों 0 होंगे, क्यू एम भी 0 होगा, क्यू भी 0 होगा, राइट। पहले हम क्यू एम का देखते हैं। जैसी क्लॉक 1 होगी, जैसी क्लॉक 1 होगी तो ये वाला सर्किट काम में आ जाएगा। जैसी क्यू यहाँ पे 1 हुई तो क्या होगा? ये वाला सर्किट आ गया काम में, राइट, ये वाला करने लग जाएगा जैसे क्यू इज इक्वल टू वन। तो हमारी नेक्स्ट पल्स तक क्यू एम, जब तक हमारी ये ट्रिगर नहीं आ जाता ये वाला, हम क्या करेंगे? इसे हाई रखेंगे, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, फिर ये लो हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अब हमारी क्लॉक कैसे हुई? अब क्लॉक हमारी जैसी वो हुई, फिर हमने इसे दोबारा ऐसे करा, ये इधर, फिर हमने इसे दोबारा, ये हमारी ऐसे हो जाएगी। इतने में किसी को डाउट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, ये हमारी देखो लेवल लेवल ट्रिगर्ड होगा तो हम यहाँ पे चेंज कर रहेंगे, ठीक है। एज ट्रिगर्ड में पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, नेगेटिव का ऐसे साइन बना रखा है तो जब वो क्या होता है? नेगेटिव एज, ठीक है। और पॉजिटिव एज ये, अब देखो अब क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव एज ही था, हमने नॉर्मल लिया था अपना ये, तो जैसे ही हमारा ये अप हुआ, ये अप पे आएगा, ओके। जैसे ही हमारा अप हुआ, ये चेंज हुआ, ये नेक्स्ट क्लॉक पल्स तक चलता रहा। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या हुआ? ये डाउन। अब देखो अब इसमें क्या हो रहा होगा? जब ये क्यू इज इक्वल टू वन, क्लॉक इज इक्वल टू वन हुआ होगा, ये क्यू ये वाला तो अभी भी क्या होगा? ज़ीरो होगा, राइट। क्योंकि क्लॉक जब 0 होगी, जब क्लॉक इधर आएगी तो तब ये एक्टिव होगा। तो इसका मतलब हमारा ये क्या होगा?
देखो आराम से डायग्राम समझने के लिए ना ऐसे बना लिया करो, सुनो फिर थोड़ी सी गलती हो गई है। तुम्हें काफी आसानी रहेगी ऐसे करके करोगे तो। अब जे इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन, क्यू एम और क्यू। अब देखो क्यू एम का क्या हुआ, ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ ऐसे, राइट। ये नीचे नीचे रहेगा, फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, अब ये दोबारा ऐसे ऐसे ऐसे। डाउट नहीं ना किसी को भी क्यू एम का क्या होगा? अब ये देखो यहाँ तक तो, यहाँ तक तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि अब जैसे ही ये डाउन आ गई क्लॉक, क्या आ गई, जैसे ही क्लॉक हमारी क्या हो गई, ज़ीरो। इधर क्या है हमारी क्लॉक, ज़ीरो है ना। जैसे ही क्लॉक ज़ीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और कब तक रहेगा, नेक्स्ट तक, है ना। अब जैसे ही क्लॉक डाउन हुई तो ये ज़ीरो, ये इस वाली कंडीशन में रहेगा, है ना। अब फिर क्लॉक डाउन हुई तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इतने में किसी को डाउट कि हमारा ये कैसे मास्टर स्लेव हमारा वर्क कर रहा होगा? और अब इसमें क्या हुआ, जो पहले हमारी कंडीशन आ रही थी रेसिंग की ऐसे कर करके, वो अब नहीं आ रही, वो आराम से क्यू एम और क्यू में डिवीज़न हो चुका है। तो इसे बोलते हैं हम अपना जे के मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जब मास्टर वर्क कर रहा होगा तो स्लेव नहीं करेगा, और जब स्लेव वर्क कर रहा होगा तो तब मास्टर नहीं करेगा। और इसमें हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ इसमें याद रखना, हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्लॉक को। याद रखने के दो पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्लॉक को, और हाउ टू कनेक्ट द फीडबैक्स, फीडबैक्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं जेके वाले केस के लिए, जेके वाले केस के लिए अब मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, जब क्लॉक वन है और जेके वन वन है तो क्यू एन प्लस वन क्या हो रहा होगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा, टॉगलिंग शो कर रहा होगा, क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया है वो फैक्ट, रेसिंग अराउंड कंडीशन तो शो ही नहीं कर रहा होगा। मास्टर स्लेव में कुछ नहीं होता, बस हम दो जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहे होते हैं। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं, यहाँ पे हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप्स की स्टडी कंप्लीट होती है। एस आर पढ़ा, एस आर में हमने देखा एक इनएक्टिव स्टेट होती है, इसलिए हमने जे के पढ़ा। फिर हमने जे के में देखा एक क्या आ रहा है, जे के में हमने देखा रेसिंग अराउंड कंडीशन आ रही है, उसे हटाने के लिए फिर हमने जे के मार्शल स्लेव फ्लिप फ्लॉप पढ़ा। अब उसके बाद हमने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, डी में हमने देखा कि वो तो सिर्फ स्टोर ही करता है डेटा को। उसके बाद हमने टी में पढ़ा, टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, और हमने टी फ्लिप फ्लॉप में क्या देखा कि वो टॉगलिंग कंडीशन के लिए यूज़ में आता है। इतने में किसी को कोई दिक्कत? ओके अब इससे अगले वाले वन शॉट में हम क्या कर रहे होंगे, हम सारी कन्वर्जन देख रहे होंगे फ्लिप फ्लॉप की। ओके तो ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।